हमने देखा इससे पहले वाले सीन में आप कुछ थोड़े से उनके जख्मों पे मरहम लगाने की कोशिश कर रहे थे, सुन लो बयान। और मैं उन जख्मों के हालचाल पूछा था कैसे। हाँ दोनों एक ही काम कर रहे हैं सिमिलर, मतलब मैंने चोट दी है तो मैं पूछ रहा हूँ भाई ठीक तो है। हाँ और मैं भी उसका कहीं ना कहीं साझेदार हूँ, तो मैं मरहम लगा रहा हूँ उस पर। वो मुझे बोल रही है कि तुम हाथ मत लगाओ मुझे, और बिहान के बारे में कुछ उल्टा सीधा मत बोलो। मैं तब भी मतलब बेशरम होकर उसकी पट्टी लगाए जा रहा हूँ कि पट्टी तो लगवा लो तुम, बात की बाद में देखेंगे। कोई बात ही नहीं बोल रहा बिहान के बारे में, पहले पट्टी बोलो। मतलब दोनों का कंसर्न ही कंसर्न है कि तुम ठीक रहो बेटा, तुम सही रहो, तुम खुश रहो। आपको भी कहीं आगे जलन होगी इनके ड्रीम सीक्वेंस, और आपको तो हाथ भी लगा दे। यार कश्ती में ये दोनों सवार थे, मैं ऐसे आगे कूद गया हूँ बीच में, और मैं ऐसा कर रहा हूँ और हम दोनों किनारे पे लटक गए। तब की इस तरफ मैं, इस तरफ बीच में भाई बैठा, बीच में बैठा हूँ मैं। तो कभी मैं बिहान के पास चला जाता हूँ लड़ने के लिए, कभी मैं तपकी को ऐसा समझाने के लिए। फ्लो पे डिपेंड करता है पानी कहीं ना कहीं, यानी हमारे राइटर्स पे कहाँ जाना है। और अब मैंने डिसाइड किया कि चलो इन दोनों के साथ क्रिकेट खेलते हैं, तो मैंने ही मैच रखा है, और मैं ही चाह रहा हूँ कि मनीष हार जाए, मतलब बिहान हार जाए। और खेल रहे हैं मैच, इंटरेस्टिंग मैच है बहुत, सबकी जीत जाए ऐसा चाह रहे हैं। अच्छा वो तो असल मैच क्या हो रहा था अभी, ये कुछ कैंडिड फोटो क्रिकेट की प्रैक्टिस हो रही थी। हाँ, ताकि हम अच्छा खेलें और पोर्टफोलियो बनवा रहे थे, पोर्टफोलियो बनवा रहे थे चैनल के लिए, बीसीएल के लिए। ख्यालों में हम दोनों वापस अपनी मोहब्बत सबके सामने लाने वाले, जो हमेशा से करते आए थे तब की बिहान। अब तो खैर अलग हो चुके हैं, तो वही कुछ पुरानी यादें हैं जो ताज़ा करने वाले हैं। कुछ सुनहरे पल फिर से बिताएंगे दोनों तब की और बिहान। जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा होने वाला है।